इधर देखिए 2 पॉइंट फर्स्ट ट्रेड में इसका इधर 2 पॉइंट लॉस और 4 पॉइंट प्रॉफिट, मतलब नेट प्रॉफिट आया है 2 पॉइंट इक्वल्स टू 1600 वन सिंगल ट्रेड। और पीएल का क्या हुआ अभी तक, पीएल में देखिए इसका मैंने कितना में बाय किया, ये 10 पॉइंट इस ये गिर गया है और मतलब ये 10 से 10 पॉइंट लॉस हुआ है। और इधर पीएल अभी 65 मतलब इसका 10 पॉइंट स्टॉप लॉस लग गया है। पीएल अक्टूबर पिछड़ को बाय किया था, ये 5 पॉइंट गया है, अभी तक इसमें लॉस ही चल रहा है। इसको मैं बुल हाउसिंग फिनेंस को, इंडिया बुल हाउसिंग फिनेंस को हम लोग फिर से अक्टूबर फ्यूचर को बाई करता हूँ 181.50 में, और इसको 185.65 में इंडिया बुल हाउसिंग फिनेंस को फिर से सेल करता है। तो 180.75 फ्यूचर बाय हाउसिंग फिनेंस को 180.15 में वार करता है, 180.50 में सेल करता है। तो इधर मार्केट घूम रहा है कुछ आप लोग देख सकता है। तो इसको 179.95 में 180 में बाई करता है, 184.60 मतलब 184.60 184.20 में सेल करता है। 180 और कैश 184.60, देखते हैं इसका फिर से क्या हो रहा है। और तब तक के लिए मैंने फिर से पास करता हूँ। देखिए इंडियाबुल्स हाउसिंग फिनेंस में ये 3 पॉइंट गिरा है और ये 3 पॉइंट गिरा है, ठीक है चल। देखिए इंडियाबुल्स हाउसिंग फिनेंस लगभग 3 पॉइंट गिरा है और ये 2 पॉइंट गिरा है, तो मतलब इंडियाबुल्स हाउसिंग फिनेंस से इससे हम लोग को 1 पॉइंट प्रॉफिट हुआ है। तो मैंने और इसको पेल का सेकेंड ट्रेड देखेंगे तो इसको इधर देखिए 65 में सेल किया, 65 में सेल किया था और इसको